आज राजस्थान की आवाज के संपादक श्री मनीराम जी पारिक ने बीकानेर के गाडवाला, कल्याणसर, नापासर सहित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें पाया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशन में स्थानीय स्तर पर सभी प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था देखी गई। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा मुख्य खबर की ओर। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान के प्रत्येक स्थानीय स्तर पर कोर कमेटियों का गठन करवाया गया है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में 4 युवाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसका वार्ड पंच प्रतिनिधि है एवं पंचायत क्षेत्र में लगने वाले राज्य कर्मचारी अध्यक्ष एवं सदस्य हैं। इनका कार्य रोज मीटिंग कर समस्याओं को चिन्हित करना तथा पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेट कराना तथा आइसोलेट पेशेंट को दवा एवं जरूरत के अनुसार जरूरी सामान की व्यवस्था कराना, ताकि पॉजिटिव मरीज घर से बाहर निकल नहीं सके, जिससे अन्य लोगों को संक्रमित होने से रोका जा सकेगा। और क्षेत्र में होने वाले विवाह शादियों में कोविड की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ सभी को मिले, इसके लिए डोर टू डोर कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा संपर्क कर प्रेरित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। पीओ श्री श्रवण गोदारा ने राजस्थान की आवाज को बताया कि आज ग्राम पंचायत गाडवाला में पंचायत कोर ग्रुप की मीटिंग का आयोजन पीओ श्री श्रवण कुमार गोदारा की अध्यक्षता में हुआ। मीटिंग में पटवारी श्री प्रेम सिंह भी उपस्थित रहे। कोर ग्रुप ने विवाह समारोह का निरीक्षण किया और गाँव में होम आइसोलेट व्यक्तियों के स्वास्थ्य का फीडबैक लिया। बैठक में सुरेंद्र सिंह सुपरवाइजर ने वार्ड यूथ ग्रुप को निर्देश प्रदान किए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्दी जुखाम से पीड़ितों का सर्वे का रिकॉर्ड संधारण का आदेश कोर ग्रुप में दिया गया। इसके साथ आपको ये शुभकामना देते हैं, ये हिदायत दे रहे हैं कि आप कोविड की पालना करें, क्योंकि आपके एक व्यक्ति की चैन जो है आपके अन्य लोगों को भी इस महामारी के संक्रमण में ले सके। सर, आपके ये जो कोर कमेटी गठित की गई है, ये इसमें आप किसके सानिध्य में काम कर रहे हैं? ये कोर कमेटी जो गठन किया गया है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से, ये सभी जो ग्राम पंचायत स्तर पे जितने भी राजस्व कार्मिक हैं या जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सभी इससे जुड़े हुए हैं। उनका जो पीओ का अध्यक्ष है और प्रत्येक रोज इसकी मीटिंग होती है जी, और प्रत्येक वार्ड से जो पॉजिटिव लोग आए हैं आइसोलेशन में हैं जी, उनकी दवा और राशन की व्यवस्था के लिए 4 युवाओं की भी टीम गठित की गई है वार्ड वाइज, जिनका वार्ड पंच अध्यक्ष है। तो कुछ उनका काम जो है कोर कमेटी को ये सूचना देना कि भी वार्ड के अंदर कौन बाहर से आए हैं या आइसोलेट है, उनके क्या राशन की दवा की कोई कमी है या जो भी है, उस समस्या को जो है कमेटी के सामने रखते हैं और उसका जो है जिला प्रशासन तक इसका सूचना का प्रसारण करते हैं। और ये जो है इसका बहुत ही पॉजिटिव जो है आ रहा है कि सभी लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो चुका है और इससे जो है आम जो जनता है उनको ये सुविधा हो रही है कि ताकि वो अनावश्यक बाहर नहीं घूमे या जो संक्रमित है वो किसी और को संक्रमित नहीं करे, तो इसकी एक निगरानी जो है बहुत ही प्रभावी ढंग से हो रही है। ठीक है, जो शादी विवाह समारोह चल रहे हैं उनके लिए उसमें हमारी कोर कमेटी के जो है सदस्य अध्यक्ष वगैरह वो चलाते हैं और उनको पाबंद करते हैं कि जो भी गाइडलाइन है उससे ऊपर लोगों को जो है इकट्ठे नहीं करें और डिस्टेंसिंग की पालना के, और ये जो आपके सैनिटाइजर है या मास्क है इसकी पूरी जो है निगरानी हो और उसकी पालना की जाए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज रखा होना चाहिए। ठीक है, आज आपने कहीं पे किसी को पाबंद किया इसके लिए? हाँ, अभी हमारे जो सर्किल में हैं करीब 7-8 शादियाँ हैं जी, तो उनको पाबंद किया और शाम को एक राउंड भी लिया जाएगा कोर कमेटी के द्वारा, कोई पालना के जो है नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर पेनल्टी भी लगती है, उसका अधिकारियों को फिर उसको जो है सूचना दी जाती है कि पालना ये नहीं कर रहे हैं।
और दिन में जो है कोर कमेटी के सदस्य है उनको जाके एक बार रोटेट करवा के आते हैं कि भाई आप जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार जितनी संख्या निर्धारित की गई है उसके ऊपर एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो रहा है इसमें? इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो है चिरंजीवी योजना है उसका भी लोगों को सूचना कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई ये जो ज़्यादा से ज़्यादा है आप इनसे जुड़िए, आपके पूरे परिवार का बीमा है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होने पर लाखों रुपए की जो खर्चा आता है वो सरकार वहन करेगी और आप जो है इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। टीकाकरण अभियान में भी जो कोर कमेटी वैक्सीनेशन भी कोर कमेटी द्वारा प्रेरित करके ला रहे हैं जी, और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन भी करवाया जा रहा है, जहाँ भी वैक्सीनेशन कैंप है वहाँ रोजाना भी इस वैक्सीनेशन जो कैंप लगेगा उसमें ये कोर कमेटी पूर्ण अपनी भागीदारी निभाएगी। कुल मिला ये शुरू से ही सूचना निभा रही है, प्रत्येक वार्ड वाइज जो है आशा सहयोगिनी तक उसको भी लिस्ट दी हुई है, वो भी प्रत्येक डोर टू डोर जाके प्रेरित कर रही है कि आप उसको वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस महामारी से आप बच सके। आपका नाम सर? मेरा मनोज राजपूत, आर आई गाड़वाला, अतिरिक्त चार्ज नापा सर है। थैंक यू। राजस्थान की आवाज़ से मैं करण पारिक, अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।